तो आप 1 घंटा बोर नहीं होंगे। बाकी ऐसी शख्सियत होती हैं, और अगर ऐसी शख्सियत से उन्हीं के प्रोफेशन, उन्हीं के इंटरेस्ट और उन्हीं के इनक्रेडिबल काम के हवाले से गुफ्तगु हो तो सोचिए कि 1 घंटा कैसा बीतेगा। अब यकीनी तौर पर समझ गए कि मैं आपको अगले 1 घंटे की प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि अगला एक आपका घंटा जो है मेरे साथ बहुत यादगार गुजरने वाला है, और आप यकीनी तौर पर और कोई काम कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि आज हमारे साथ एक ऐसे साइंटिस्ट बैठे हैं। अब साइंस का लफ्ज सुन के आप ये मत कहिए कि साइंस दान नहीं, यही तो आपको बताने लगा हूं कि एक ऐसे साइंसदान है जो कि अब तो साइंसदान है लेकिन बहुत बरस पहले पाकिस्तान के एक बहुत छोटे से नवाही इलाके, बहुत गरीब से घराने में ये पैदा हुए, लेकिन उसके बाद इनकी शख्सियत हम सब के लिए एक मशाल राह से कम नहीं। इस वक्त नेशनल कमीशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं और कॉम्सटेक के एडवाइजर हैं ऑन साइंस। इसके अलावा इनकी जिंदगी में अदब और साइंस दोनों का एक हसीन इम्तिजाज हमें नजर आता है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ वंडरफुल एंड मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन विद मोहतरम डॉक्टर अनवर नसीम साहब, सितारे इम्तियाज एंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, एंड नो डाउट डॉक्टर साहब आप जैसी शख्सियात जो है हम सब के लिए एज ए नेशन एक प्राइड से काम लिया। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं बहुत ममनून, इतना मुश्किल और अब इम्तहान में डाल रहे हैं आप कि पूरा 1 घंटा जो गुफ्तगु है उसको दिलचस्प होना है, तो कोशिश करेंगे। ये इम्तहान आपके लिए इतना सहल है जिसका मुझे अंदाजा है क्योंकि आपसे पहले भी हमारी मुलाकातें हैं, तो वो कोई ऐसा मसला होगा नहीं। आपका जो जो शोबा, जो जिस चीज में आपने स्पेशलाइज किया, और सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल के ऊपर आपकी रिसर्च और आपका थीसिस जो है उसको माना गया और आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, दैट इज प्योरली ऑन जेनेटिक एंड।